चलो। पर एक शेर याद आया, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए कारवां बनता गया। इराक, अरे ज्यादा कुछ भी नहीं बोल सकते। और शायद हमें आरिफ इंटरव्यू लेने से उनके लिए हमें वक्त भी ना दे पाए। हम चाहते हैं कि ऐसा हो फैंटास्टिक नींबू पानी, ठीक है ना। मैं तो रास्ते से जा रहा था, नींबू पानी पी रहा था। से मिलाया जा रहा है, देख सकते हैं अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग कलर। ये क्या डाल रहे हैं? हॉट वाटर। हॉट वाटर है जी। अरे वाह, यानी अभी हुई थी रिमझिम और अब हो गया है मौसम थोड़ा सा गर्म, और उस गर्मी को बताते हुए वेरी फैसिनेटिंग वर्क बाय आरिफ। और पीने के लिए एक्स्ट्रा भी दिए जा रहे हैं और ये सप्लाई हो रहा है, देख सकते हैं लोग यहाँ पर कार में आकर पी रहे हैं और इनको सप्लाई किया जा रहा है। एक्चुअली द मीनिंग ऑफ आरिफ इन उर्दू इज वन हु रिकॉग्नाइजेस, एंड दिस जेंटलमैन आरिफ रिकॉग्नाइजिंग द टेस्ट ऑफ द पीपल एंड द फ्लेवर ऑफ द पीपल एंड द इंटेंसिटी एंड कलर ऑफ द जूस विच इज अ वेरी रिमार्केबल। और ये ड्राई आइस है, देखिए इसका तमाम भी किया है उन्होंने। यानी कहने का मतलब है कि तमाम एडवांसमेंट और तमाम प्रोग्रेस और तमाम जदीदियत या मॉडर्निज्म का नाम अगर है तो ये है आरिफ। आपके पास कितने फ्लेवर्स मिलते हैं? मेरे पास मिलते हैं मसाला सॉल्ट स्वीट, मसाला प्लस स्वीट, सॉल्ट प्लस स्वीट, एंड मोजिटोज एंड मॉकटेल्स में ब्लूबेरी है, ब्लैक करंट है, ब्लू कोराइगो है, मिंट है, ब्लड ऑरेंज है, ये सारे फ्लेवर्स हैं। एंड हम और लॉन्च करने वाले हैं। इसके औकात क्या है? टाइमिंग, व्हाट आर द टाइमिंग्स? टाइमिंग इज 12 PM टू 6:30 PM। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाय हेलो आदाब, आप सबका खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है ए जे चैनल में। नाजरीन हम पहुंच गए हैं सड़क पर जिसके किनारे आरिफ MBA स्टूडेंट होते हुए भी उन्होंने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया है, नींबू पानी वाला। तो नाजरीन जुड़े रहिएगा ए जे चैनल के साथ। और नींबू पानी वाला MBA के स्टूडेंट आरिफ का एक अहम सवाल जो हमारे नाजरीन जानना चाहते हैं, सब जानना चाहते हैं कि भाई आपको MBA यानी मास्टर्स डिग्री रखते हुए भी आपने ये नींबू पानी का बिजनेस शुरू करने का ख्याल आपको कैसे आया? एक्चुअली मेरा डिग्री जब ख़त्म हुआ था जी, तो मैं सोच रहा था रिजल्ट आने तीन महीने थे, तो मैं सोच रहा था कि क्या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लाइक सबके वैसा या बाहर जाकर जॉब कर लो, लाइक मास्टर्स कर लो,
एंड या फिर यहाँ पर रह के मास्टर्स करके जॉब कर लो या फिर अपने फादर का बिजनेस हैंडल करो। और मैं वो फैमिली में मेरा बैकग्राउंड भी फैमिली बिजनेस है, हम लोग का फैमिली बिजनेस है। सो मैं सोचा कि नहीं, ये सारे मैं ऑप्शन तो ले लूँगा, कुछ डिफरेंट करते हैं। अब डिफरेंट करेंगे तो क्या करेंगे बोलकर मैं इस पर रिसर्च किया। सो रिसर्च करने से ये पता चला कि नींबू पानी में अभी तक कोई ब्रांड बहुत ज़्यादा मतलब कोई टारगेट नहीं करे। इवन आपको हर चीज़ में ब्रांड मिलेगा, पिज़्ज़ा में, बर्गर में, हर एक चीज़ में ब्रांड है, मगर नींबू पानी में कोई मतलब कि उतना फोकस नहीं कर रहे। सो मैं फोकस करा इस पर नींबू पानी पे। तो सर्वे करने से, प्राइमरी मार्केट रिसर्च करने से पता चला कि डिफ्रेंशिएट क्या क्या कैसा कर सकते। तो मैं हाइजीन, लोग पीना चाहते नींबू पानी मगर हाइजीन वहाँ पर उन लोग को नहीं मिलता, तो मैं हाइजीन मेंटेन हाइजीन दे रहा हूँ। एंड हम ड्राई आइस के साथ इनिशियल मतलब डिफेंड कर रहे हैं। तो यार यानी कहने का मतलब कि बिल्कुल अकम्पलिश्ड आपकी ये दुकान है और आपको जो ख्याल आया वो बड़ा अच्छा है, नेक है यानी। और आपकी ये सोच कि वो चीज़ जिसका नहीं है कोई ब्रांड, हम उसे बनाते हैं शानदार। आई वुड लाइक टू से इन वन सेंटेंस, द थिंग विच डजंट हैव एनी ब्रांड यू ट्राइड टू मेक इट ग्रैंड। वाओ, हैट्स ऑफ टू आरिफ। नाजरीन, बशीर बाग की ये सरफट दौड़ते हुए ट्रैफिक और यहाँ पर लोग भी हैं, ग्राहक भी रहे हैं, आप देख सकते हैं। और उसका व्यू अगर हम देखें तो देखिए MBA नींबू पानी बाला द जूस कॉन्सेप्ट्स एस्टैब्लिश्ड इन 2021। और देख सकते हैं आप ऐसे मसरूफ नरीन सड़क पर, सड़क के किनारे एक इतिहास, एक तारीख। आरिफ आपका ये बिल्कुल लोगो बड़ा ही खूबसूरत है, सुहाना है, और इधर ये चलते हुए ट्रैफिक, और आप बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ, नजबजब के साथ काम कर रहे हैं। और आपने एक अच्छी बात पेश की कि भाई तालीम हासिल करने का मकसद सिर्फ मुलाजिमत नहीं हो सकती। ये बात इकबाल ने कही, सर सैयद अहमद खान ने कही, उन्होंने कहा कि इंसान के अंदर तब्दीली आना चाहिए। खतरे खतरे से दरिया बनता है, अगर हम छोटा स्टार्टअप शुरू करें तो आगे चल कर शायद बड़ा बन जाए। आपके पास कितने फ्लेवर्स हैं, उनके ज़रा रेट्स तो बताइए। मेरे पास जितने भी फ्लेवर्स हैं वो मसाले में 40 का है और 30 का है। 30 का नॉर्मल है, 40 का ड्राई आइस के साथ है, और जितने भी मोजिटोज एंड मॉकटेल्स है वो है 60 और 70 के। कई लोग सारे कमेंट्स कर रहे, मैसेजेस कर रहे कि, और आकर बोले कि भाई MBA करके आप ये क्यों कर रहे, एक रोड साइड क्यों शुरू करें, MBA करके आपको जॉब नहीं मिली क्या। तो मेरा उन लोग को यही मैसेज बोलने का है कि MBA ज़रूरी नहीं है कि MBA करके कॉर्पोरेट में जॉब करना या फिर बाहर जाकर MBA करना। एक MBA करने का मतलब ही क्या है कि MBA करके एक छोटा सा स्टार्टअप क्यों नहीं ले सकते आप, छोटा सा इनिशिएटिव लीजिए, उसको आगे आप आगे बढ़ा सकते हैं। ये मेरा बोलने का एक बहुत ज़रूरी पॉइंट था, तो मैं शेयर किया। बिल्कुल आरिफ, आपने कारोबार शुरू किया, आज स्टेज पर है, लेकिन इससे पहले आपको काफ़ी होमवर्क करना पड़ा होगा, मेहनत करनी पड़ी होगी। तो पहला सवाल मेरा ये है कि आपको अपने घर से, अपने दोस्त अहबाब से, रिश्तेदारों से, पेरेंट्स से, कह लीजिए किसी से कोई मुखालिफत हुई क्या? जी एक्चुअली जब मैं स्टार्टअप किया था तो घर वाले भी बोल रहे थे कि लाइक दादा का नाम ख़राब कर रहे, डैडी का नाम ख़राब कर रहे कि ये रोड साइड पे स्टॉल लगा कर, तो हम लोग का इतना नाम है, मतलब बड़े घर के रह के ऐसा काम कर रहे, ये वो दादा इतना नाम कमाएँ और आप ऐसा काम कर रहे, बोलकर बहुत सारे डिमोटिवेट करे खानदान वाले भी ऐसा और घर वाले भी। तो सपोर्ट में तो कोई भी नहीं, बस मेरे एक भाई है उन्होंने को कॉन्ट्रीब्यूट करे थे लाइक इन्वेस्टमेंट के 30,000 रुपीज़ दिए थे। वो मेरे से काफ़ी छोटे हैं, लाइक 20 ईयर्स के है वो, तो उन्होंने को 30,000 रुपीज़ दिए थे इन्वेस्टमेंट के लिए ना। हालांकि पैसे से भी कोई सपोर्ट नहीं करे थे, बस वो एक कज़न ब्रदर थे, उन्होंने सपोर्ट करे, उनका नाम सैफ है। आपने जो कहा बिल्कुल मेहनत कभी कमतर नहीं होती, जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुए और उनसे अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सबसे बेहतरीन काम कौन सा है, तो उन्होंने कहा कि हाथ से कमाया हुआ हलाल रिस्क सबसे बेहतरीन है। कोई भी काम शुरुआत छोटी उससे होती है और आगे चलकर बड़ी होती है। कहना चाहूँगा बस सपोर्ट कीजिए, वायरल कीजिए, बस ये ज़रूर ज़रूर हम इस वीडियो के जरिए लोगों को बताएंगे कि मेहनत कभी छोटी नहीं होती। नींबू पानी विद मसाला हम पीते हैं और इसका रिव्यू आपको देते हैं।
नींबू, पुदीना और मसाला, ये जो तीनों चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं तो मज़ा बेहतरीन हो जाता है। फैंटास्टिक नींबू पानी बिकॉज आई हैविंग द इंग्रेडिएंट लाइक मिंट एंड ऑफ कोर्स अदर स्पाइसेस एंड अदर थिंग्स रियली मेकिंग इट वेरी गॉर्जियस एंड वेरी रॉयल। बेहतरीन नींबू पानी, शानदार नींबू पानी। तो मेरे कज़न ब्रदर है तो उन्होंने मुझे इन्वेस्टमेंट दिए उन्होंने, और मेरे एक फ्रेंड है फरहान बुलकर, सो उन्होंने यूके में रहते हैं, उन्होंने भी मुझे इन्वेस्टमेंट करे थे। एंड जब मैं स्टॉल तो प्रिपेयर हो गई थी, अब समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर अलाहाबाद में कौन सपोर्ट करेगा क्या है, क्योंकि चलता ना कि कमीशन दो एंड ऑल। सो यहाँ पर एक महल्ले के ही है अभी बोलकर, सो उन्होंने आकर मुझे लाइक सपोर्ट करे कि बिना पैसों में, क्योंकि पैसे वैसे नहीं लिए। फिर जब इधर आ गया था मैं, फिर मुझे लाइक ज़्यादा कस्टमर की ज़रूरत थी, तो डॉक्टर फूडी बोलकर इन्फ्लुएंसर है, फूड ब्लॉगर है वो, सो उन्होंने आकर मेरी रील बनाई थी, तो वो रील को अभी तक 4.9 मिलियन व्यूज आए माशाल्लाह। तो जितने भी लोग मेरे उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करें, मैं अकेला वो क्रेडिट न लेना चाहूँगा, मैं उन लोग का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो मुझे सपोर्ट करे। और मेरे एक दोस्त है वही, उन्होंने भी मुझे मेरे साथ थे शुरू में भी 4 डेज, और उन्होंने भी अभी तक भी साथ है, तो थैंक यू। और आप लोग का भी थैंक यू सो मच, एजे चैनल, आप लोग ने आकर जो शूट किया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपकी इस बात पर एक शेर याद आया, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, लोग आते गए कारवां बनता गया। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ, थैंक यू सो मच। लिबर्टी का चौराहा, अगर सीधी जाने जाए तो लिबर्टी, अगर ऐसी सीधा आए तो आप ये लेडी हैदर क्लब, ये ओरिस दुकान है, बाकी ये गांधी मेडिकल कॉलेज भी मुतसिल है कह सकते हैं आप, साथ रखने पाए यहाँ पर, सर अब तो मुशीराबाद चला गया है, तो इस रोड पर वास्ते है बशीरबाग की मेन रोड पर, ये है नींबू पानी वाला, और यह है देखिए लोगों के जायके का रखवाला, और जिसने भी पिया दिया यहाँ का हवाला, और उसी हवाले की बुनियाद पर हम भी ये कह सकते हैं कि ये काबिल हवाला है, एंड ही इज ए पर्सन हु कैन हैव द जेन्युइन रेफरेंस एंड ऑथेंटिफिकेशन एंड नन अदर दैन आरिफ नींबू पानी वाला। यहाँ पर दो नौजवान हैं जो भाई आप क्या पी रहे हैं आप? ये मॉकटेल है। मॉकटेल, दोनों भी मॉकटेल हैं जी जी। सो टेल समथिंग अबाउट मॉकटेल, बताइए कैसा है ये? इराक। अरे ज्यादा कुछ भी नहीं बोल सकते। यानी हैदराबादी लैंग्वेज में आपने रिव्यू दिया, व्हाट ए फंटास्टिक मैनर। हाँ भाई आप बताइए। अरे वाह जबरदस्त ग्राहक, ये दो वर्ड हैदराबाद में इस्तेमाल होते हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला और भी इनके फ्रेंचाइज खोलने में तौफीक दे इनको। अरे आमीन सुम्मा आमीन, वाह आपने दुआ दे दी, क्या बात है भाई। एम्बिएंट नींबू वाला सिर्फ हैदराबाद नहीं, इंशाल्लाह पूरे मुल्क में फैले। अरे वाह क्या बात है जी। हाँ जी हाँ, यहाँ पर एक और कस्टमर है भाई, आप क्या ले रहे हैं? ब्लूबेरी है भाई। अरे वाह ब्लूबेरी पी रहे हैं, कैसा है इसका टेस्ट भाई? माशाल्लाह भाई, ऐसा रास्ते से जा रहे थे, मतलब सोशल मीडिया पे थोड़े दिन पहले वायरल हुआ, तो वहाँ से पलटा लेके आगे कुछ नया दिखा, यूनिक है, ड्राई आइस माशाल्लाह से बहुत यूनिक था भाई। अगर आपको देखा तो यही कहना, मैं तो रास्ते से जा रहा था नींबू पानी पी रहा था, बराबर वही है। तो टेस्ट के बारे में आपका ख्याल? भाई यूनिक था, सबसे हटके बहुत डिफरेंट है। नींबू पानी का सेगमेंट यहीं पर खत्म होता है, आपसे गुजारिश है जो लोग पहली बार ये चैनल देख रहे हैं, बड़ा मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ बेल यानी घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुदा सबको खुश रखे, खुदा हाफिज़, गॉड बाई।